राहुल, युजवेंद्र चहल और श्रेयस अय्यर, क्या ये खबर इन तीनों के फैंस के लिए दुखद है? ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि देखिए, तीनों ही T20 फॉर्मेट में खुद को उम्दा साबित नहीं कर पाए हैं। बात केएल राहुल की करें, श्रेयस अय्यर की करें या युजवेंद्र चहल की करें, तीनों ही T20 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। इस वजह से ये माना जा रहा है कि तीनों के लिए T20 प्लेइंग 11 के दरवाजे बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीरीज शुरू होने वाली है और T20 वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी मौका है जब हम, यानी भारतीय टीम T20 में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन केएल राहुल हो, श्रेयस अय्यर हो या फिर युजवेंद्र चहल हो, तीनों का ही सिलेक्शन T20 फॉर्मेट के लिए नहीं हो पा रहा और ऐसा माना जा रहा है कि शायद भारतीय टीम अब इनका तोड़ ढूंढ चुकी है। तो कौन है केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और युजवेंद्र चहल का तोड़, चलिए जानते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है, लेकिन केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल और रवि अश्विन जैसे खिलाड़ियों को निराश होना पड़ा है। इन खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिली है। तो क्या भारतीय टीम इन खिलाड़ियों से आगे बढ़ चुकी है? क्या टीम मैनेजमेंट ने इन खिलाड़ियों की जगह नए विकल्प को तलाश लिया है? दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल और रवि अश्विन जैसे खिलाड़ियों के लिए T20 टीम के दरवाजे बंद हो गए हैं। इन खिलाड़ियों के लिए भारत की T20 टीम में वापसी एक बड़ी चुनौती होगी। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल के अलावा श्रेयस अय्यर की स्ट्राइक रेट पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आलोचकों का मानना है कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर लगातार मौकों के बावजूद खुद को T20 फॉर्मेट के मुताबिक नहीं ढाल पा रहे हैं। इस कारण इन खिलाड़ियों की जगह बाकी विकल्पों को तलाशा जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि केएल राहुल ने 72 इंटरनेशनल T20 मैचेस में 139.13 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वहीं श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट 136.13 का है। इसके अलावा युजवेंद्र चहल के लिए वापसी आसान नहीं होगी। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा वक्त में रवि बिश्नोई युजवेंद्र चहल का विकल्प बन चुके हैं। खासकर विकेट निकालने की काबिलियत के कारण युजवेंद्र चहल के ऊपर रवि बिश्नोई को तवज्जो मिल रही है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि युजवेंद्र चहल ने 80 T20 मैचेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें इस गेंदबाज ने 8.19 की इकोनॉमी और 25.09 की एवरेज से 96 विकेट लिए हैं। वहीं रवि बिश्नोई ने 21 T20 मुकाबलों में 7.15 की इकोनॉमी से 34 विकेट झटके हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि तीनों के लिए T20 फॉर्मेट खेलना आसान नहीं रहा है। मौका मिलने के बावजूद भी तीनों अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए और अब जब विकल्प सामने हैं, तो क्या आने वाले समय में भी हम इन तीनों ही अच्छे खिलाड़ियों को T20 फॉर्मेट में नहीं देख सकेंगे?